السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی آبرو بھی جائے گی اور تم بھی ماری جاؤ گی تم پھرو گی در بدر رسوائی اور ذلت کے ساتھ تم پھرو گی در بدر رسوائی اور ذلت کے ساتھ بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی یہ تو ایک سازش ہے ورنہ تم انہیں تم نہیں ان کو قبول یہ تو ایک سازش ہے ورنہ تم نہیں ان کو قبول
कल वही नफरत करेंगे, आज प्यारी जाओगी। कल वही नफरत करेंगे, आज प्यारी जाओगी। जिस घड़ी दिल भर गया कोठे पे बेचेंगे तुम्हें, जिस घड़ी दिल भर गया कोठे पे बेचेंगे तुम्हें, दाग लेकर होगी वापस और कुंवारी जाओगी। दाग लेकर होगी वापस और कुंवारी जाओगी। जिसके दम पे घर से निकली कल वो जब देगा फरेब, जिसके दम से घर से निकली कल वो जब देगा फरेब, सोच लो किस सिमत फिर तुम पाँव भारी जाओगी। सोच लो किस सिमत फिर तुम पाँव भारी जाओगी। इज्जत व अजमत गवा कर मुंह दिखाओगी किसे, इज्जत व अजमत गवा कर मुंह दिखाओगी किसे, करते करते दुनिया से तुम आहुजारी जाओगी। करते करते दुनिया से तुम आहुजारी जाओगी। उतरेगा थोड़े दिनों में जब जवानी का नशा, उतरेगा जब उतरेगा थोड़े दिनों में जब जवानी का नशा, जुल्म की आगोश में जब बारी बारी जाओगी। और खास तौर से ये शेर समाज फरमाए, इस्लाम को छोड़कर के आज हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम एक औरत को क्या देता है, इस शेर में शायर ने बताने की कोशिश की है। कोई मजहब दे न पाएगा तुम्हें ऐसा हिसार, कोई मजहब दे न पाएगा तुम्हें ऐसा हिसार, छोड़कर इस्लाम की जब पासदारी जाओगी, छोड़कर इस्लाम की जब पासदारी जाओगी। है शरीयत ही तुम्हारी पासबां ऐ बेटियों, है शरीयत ही तुम्हारी पासबां ऐ बेटियों, दामने इस्लाम में ही तुम सवारी जाओगी, दामने इस्लाम में ही तुम सवारी जाओगी। प्यारी बहनों इफ्फत ओ शर्म ओ हया अपनाओ तुम, प्यारी बहनों इफ्फत ओ शर्म ओ हया अपनाओ तुम, देखना फिर नूर हक से तुम निखारी जाओगी, देखना फिर नूर हक से तुम निखारी जाओगी। आह दोज़क को खरीदा तुमने ईमान बेच कर, आह दोज़क को खरीदा तुमने ईमान बेच कर, आह अब रोजे जजा तुम बन के नारी जाओगी। रोती है चश्मे फरीदी देख कर अंजाम बद, रोती है चश्मे फरीदी देख कर अंजाम बद, गर न संभलोगी गर न संभलोगी तो लेने सिर्फ खारी जाओगी, पहले चाहत फिर निगाहों से उतारी जाओगी, आबरू भी जाएगी और तुम भी मारी जाओगी, आबरू भी जाएगी और तुम भी मारी जाओगी। सदरे मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों,
मुबारकपुर के इस मोहल्ला हैदराबाद में पहले भी आपकी आपके सामने खिताब करने का मौका मिल चुका है। काबिले मुबारकबाद हैं यहाँ के नौजवान और यहाँ के वो तमाम लोग जिनकी मेहनतों से आज का ये अजीम शान प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और बड़े अहम मौजूआत पर उलमाए किराम को दावत दी गई। रब्बुल आलमीन इस प्रोग्राम को हम सब की नजात का जरिया बनाए, कहने और सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, ये दौर फितनों का दौर है। इस दौर में कदम कदम पर ऐसी चीजें हमें और आपको नजर आ रही हैं जो हमें दीन से दूर कर रही हैं, इस्लाम से दूर कर रही हैं, अल्लाह से दूर कर रही हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं, ये रियलिटी है, ये हकीकत है कि जैसे जैसे दुनिया कयामत के करीब हो रही है, वैसे वैसे दुनिया में बहुत तरह के फितने रूनमा हो रहे हैं। और इसकी पेशिनगोई, इसकी भविष्यवाणी अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले फरमा चुके। आप अपनी उम्मत को बता करके गए थे कि फितनों का दौर आएगा और कदम कदम पर ऐसी चीजें तुम्हारे सामने जाहिर होंगी। सही मुस्लिम की उस हदीस को आप अपने सामने रखिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बादिरू बिला माली फितनन कक़ता इल्लैलिल मुस्लिम, बादिरू बिला माली फितनन, ऐ मेरी उम्मत के लोगों तुम अमल करने में जल्दी करो इससे पहले के फितनों का दौर आ जाए, इससे पहले की तरह तरह के फितने पैदा हो जाएं तुम अमल करने में जल्दी कर लो। इतने सारे फितने पैदा होंगे, आपने फरमाया कक़ता इल्लैलिल मुस्लिम, जैसे अंधेरी रात में आसमान में सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे नजर आते हैं, अंधेरी रात में अंधेरे के टुकड़े जैसे नजर आते हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों कयामत के पहले कैसा दौर आएगा जब बहुत सारे फितने तुम्हारे सामने जाहिर होंगे, इतने खतरनाक फितने पैदा होंगे। आपने फरमाया युस्बिहुर रजुलु मोमिनं व युमसी काफिरा, सुबह को एक इंसान मुसलमान होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। युमसी मोमिनं व युस्बिहु काफिरा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर हो जाएगा, यानी ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे की भी नहीं होगी, 12 घंटे भी ईमान सलामत नहीं रहेगा, ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी नहीं। शाम को मोमिन है, सुबह को काफिर है, सुबह को मोमिन है, शाम को काफिर। ऐसा क्यों होगा? क्या लोगों की गर्दनों पर तलवार रखी जाएगी? क्या लोग गन पॉइंट पर इस्लाम को छोड़ देंगे? आपने फरमाया नहीं। यबी ओ दीन हू ब्या रजिम मिन दुनिया, यबी ओ दीन हू ब्या रजिम मिन दुनिया, दुनिया के चंद टकों के बदले लोग अपने दीन का सौदा कर लेंगे। लोग दुनिया की दौलत के पीछे भाग करके, दुनिया की दौलत के पीछे पड़ करके अपने दीन को बेच डालेंगे, अपने दीन का सौदा कर लेंगे। और अब तो उससे भी दो कदम हम आगे बढ़ गए, अब प्यार इश्क मोहब्बत के नाम पर भी दीन का सौदा हो रहा है। तो ये फितनों का दौर है मेरे भाई, और अल्लाह के नबी ने फितनों की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। सही बुखारी की उस रिवायत को आप अपने सामने रखिए। अल्लाह के प्यारे नबी मदीना की एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं, आपके साथ हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला ने भी। आप कहते इन्नी लअरल फितन खिलाल बुयूतकुम कमवाकिल कतरी, ऐ मेरे सहाबा, मैं वो दौर भी देख रहा हूं जब तुम्हारे घरों में तरह तरह के फितने पैदा हो जाएंगे, जब आसमान से बारिश होती है और बारिश के कतरे जिस तरीके से तुम्हारे घरों पर पड़ते हैं, जब बारिश हो रही हो खिड़की बंद कर लें, दरवाजे बंद कर लें,
तब भी बौछार का पानी तो कुछ ना कुछ अंदर आ ही जाता है। आपने फरमाया कमवा की इल कतरी खिलाल बुयूतिकुम, जिस तरीके से बारिश के कतरे तुम्हारे घरों में पहुंच जाते हैं। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, फितनों का दौर आएगा और तरह तरह के फितने तुम्हारे घरों के अंदर पैदा हो जाएंगे। फितनों का दौर है मेरे भाई, कहीं माल का फितना है, कहीं शोहरत का फितना है, कहीं इस्लाम के नाम पर इस्लाम से दूर करने का फितना है, कहीं इस्लाम की गलत एक्सप्लेनेशन का फितना है, कहीं इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी और टेररिज्म का फितना है। तरह तरह के फितने पैदा हो रहे हैं और उन्हीं फितनों में बहुत बड़ा फितना जो इस वक्त मुस्लिम समाज को दरपेश है वह है इर्तिदाद का फितना। इर्तिदाद का मतलब क्या होता है? एक इंसान इस्लाम कबूल करने के बाद, इस्लाम के अंदर दाखिल होने के बाद इस्लाम से नफरत करने लगे या इस्लाम से दूर हो जाए या इस्लामी शरीयत के उसूलों का इंकार करे या जिन चीजों को इस्लाम के अंदर फर्ज कहा गया है, कंपलसरी कहा गया है, जरूरी कहा गया है, उनका इंकार कर दे, इस फितने को इर्तिदाद का फितना कहा जाता है। और ये जो इर्तिदाद का फितना है ये फितना भी अल्लाह के नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत के अंदर पैदा होगा। और आपने और कुरान और सुन्नत ने यह भी हमें और आपको बताया कि इस्लाम के दुश्मनों का एक बहुत बड़ा मिशन होगा कि तुम्हें आज इर्तिदाद के रास्ते पे लेके जाएं, तुम्हें इस्लाम से हटा दें। कुरान का दूसरा पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है वला यजालून युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे दुश्मनों का मंसूबा यही है कि तुम्हें इस्लाम से मुर्तद कर दे, तुम्हें दीन से हटा दे, तुम्हें अल्लाह के दीन से हटा दे। लेकिन कान खोल करके सुन लो, वमई यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, जो इस्लाम से मुर्तद हो जाए, फयमुत वहुवा काफिरुन, और उसी हालत में उसकी मौत हो जाए। जो इस्लाम के अंदर आने के बाद मुर्तद हो जाए और उसी मुर्तद होने की हालत में, उसी कुफ्र की हालत में उसकी मौत हो जाए। अल्लाह फरमाता है फौलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, उनके तमाम के तमाम आमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो जाए। उनकी कोई नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ नेकी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ईमान तो सबसे पहली कंडीशन है। ईमान के बगैर अल्लाह ताला के यहाँ किसी नेकी का कोई वजूद ही नहीं है। उनकी नेकियां उनके आमाल बर्बाद हो जाएंगे। वह उलाइका अस्हाबुन नार हुम फिया खालिदून, और वही लोग जहन्नम में जाएंगे और हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। इर्तिदाद जहन्नम का रास्ता है मेरे भाई, दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई का रास्ता है और आखिरत में भी जहन्नम का रास्ता है। नबी के दौर में भी हमें ऐसे वाकयात मिलते हैं जब लोग मुर्तद हुए तो दुनिया में भी उनका अंजाम बुरा हुआ और आखिरत में तो जो होगा होगा। बुखारी शरीफ की उस हदीस को अपने सामने रखिए, अल्लाह के नबी के दौर में एक इंसान आता है, इस्लाम कबूल करता है, पढ़ा लिखा था। अल्लाह के नबी पढ़े लिखे लोगों की बड़ी कद्र करते थे। नबी अकरम की सीरत में हमें यह चीज भी मिलती है कि पढ़े लिखे लोगों की आप कद्र करते थे और उनकी तालीम का, उनकी शिक्षा का आप सही इस्तेमाल करते थे। आजकल जनगणना का काम चल रहा है, परिवार सर्वेक्षण का काम चल रहा है। बनारस में मदरसों के टीचरों को भी यह काम दिया गया, हमारे मदरसे के भी एक टीचर को यह काम दिया गया और उसको कंप्यूटर पर डाटा फीडिंग करने का काम मैं कर रहा था। अब जाहिर है पूरे इलाके का सर्वेक्षण हो रहा है, हिंदू मुस्लिम सबका हो रहा है। जब सर्वे का डाटा मैं फीड कर रहा था तो मैंने ये बात महसूस की कि मुसलमानों में अक्सरियत गुर्बत तो है, गरीबी है, गरीबी रेखा के नीचे गुजारने वाले जिंदगी एक बड़ी तादाद में लोग हैं, मुसलमानों में भी है, गैर मुस्लिमों में भी है। मगर मैंने फर्क ये देखा कि मुसलमानों में अक्सर परिवार के मुखिया अशिक्षित, परिवार में 8 मेंबर हैं तो पता ये लगा लड़कियां तो कुछ भी, चलो कुछ थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है, कोई हाई स्कूल है, कोई इंटर है, लड़के अशिक्षित, कोई 2 तक, कोई 5 तक। लड़कों में और मर्दों में तालीम का तनासुब बहुत कम है। और उसके मुकाबले में गैर मुस्लिम परिवारों में जो गरीब फैमिली है,
मैंने देखा कि उनके बच्चों और बच्चियों में लड़का और लड़की, लड़की साहब ग्रेजुएशन कर रही है और लड़की लड़का भी जो है वो इंजीनियरिंग कर रहा है। गरीब परिवार की बात कर रहा हूं, ये फर्क मैंने सर्वे का डाटा भरते हुए ये बात मैंने महसूस की। हमारी कौम को मेरे भाई तालीम पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नारा लगाया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं उसमें एक नारा थोड़ा सा और जोड़ देता हूं, बेटी के साथ साथ आप बेटे को भी पढ़ो। ये जो आज हमारे समाज में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है ना, ये इस फर्क की वजह से भी हो रहा है कि हमारी कौम की लड़कियां तो पढ़ रही हैं, लड़के नहीं पढ़ रहे। हम लड़कियों की तालीम पर खर्च कर रहे हैं, लड़कों की तालीम पर हम खर्च करना नहीं चाह रहे। लड़का जहां बड़ा हुआ हमें उससे ये उम्मीद और एक्सपेक्टेशन है कि वो कमा के लाएगा। हम पढ़ाई पढ़ाई कैसे कराएंगे, पढ़ाई में तो खर्च करना पड़ेगा, हमें तो उससे कमाई चाहिए। इस सोच को बदलने की जरूरत है, और अगर आपने इस सोच को नहीं बदला तो अंजाम बहुत भयानक होगा। आपकी कौम की बेटियां जब कल हाई क्वालिफाइड और हाई एजुकेटेड होंगी, जब उनको अपनी जोड़ के रिश्ते और लड़के इस कौम में नजर नहीं आएंगे, तो बड़ी आसानी से उन्हें अपने ट्रैप में फंसा करके, उन्हें इश्क मोहब्बत के जाल में फंसा करके कोई किसी भी रास्ते पे लेकर चला जाएगा और उनके लिए जाना बहुत आसान काम हो जाएगा। तो आप बेटियों की तालीम के साथ साथ बेटों की तालीम पर भी तवज्जो दीजिए। टेंथ का रिजल्ट आता है, हम खुश हो जाते हैं, हमारी कौम की बेटियों ने बाजी मार ली। अखबार में बड़े बड़े मोटे मोटे हरूप में हेडिंग आती है, लड़कियों ने बाजी मार ली। मुबारकपुर की फला लड़की ने नीट का एग्जाम पास कर लिया, मऊ की फला लड़की ने ट्वेल्थ में सबसे आला नंबर हासिल कर लिया, हमारी कौम की बेटियों ने हमारा नाम रोशन कर दिया। मैं पूछता हूं, हमारी कौम के बेटे कहां गए? बेटे मर गए? इस कौम के बेटों का बस यही काम है कि रात को हेडफोन लगा के रात पर गाना सुने, मुंह में गुटखा खा करके बदतमीजी से बात करें। इस मोहल्ले के हमारे बुजुर्ग बेटे, एक वो दौर था अगर कोई लड़का सिगरेट पी रहा हो, मोहल्ले का कोई बड़ा बूढ़ा गुजर रहा हो, उस बड़े बूढ़े को देख करके सिगरेट फेंक देता था। हमारे मोहल्ले के दादा जा रहे हैं, बड़े जा रहे हैं, हाजी साहब जा रहे हैं, इनके सामने हम सिगरेट नहीं पी सकते, इनके सामने हम गुटखा नहीं खा सकते। एक वो दौर था, और आज एक वो दौर है कि लड़के मोबाइल पर बैठ करके फहश फिल्में देख रहे हैं, गाली गलौज के साथ बात कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। मोहल्ले के बुजुर्ग, मोहल्ले के बूढ़े वहां से गुजरते हैं और चुपचाप सर झुका करके गुजर जाते कि कोई दो चार कमेंट हम पर ना हो जाए, दो चार जुमले हम पर छीटाकशी ना हो जाए, अपनी इज्जत बचा करके सर झुका के चले जाते हैं। और किसी शायर ने बड़ी सच्ची बात कही थी, संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों, कि अब बच्चे पलट कर बोलते हैं। अब ये हालात है कि बुजुर्गों को संभल के बोलना पड़ता है, क्योंकि अब बच्चे हर बात का जवाब पलट करके देते हैं। मेरे भाइयों, अपनी कौम के बेटों पर भी आप तवज्जो दीजिए। मसला सिर्फ बेटियों का नहीं है। आज लोग कहते हैं मौली साहब इस पर जरूर तकरीर कीजिएगा, मुबारकपुर में बड़े केस हो रहे हैं, मऊ में बड़े केस हो रहे हैं, और दर्द इस बात पर हो रहा है कि कल उन घरों से लड़कियां भाग रही थी जहां पर्दा नहीं था, जहां घर में दाढ़ी वाले नहीं थे, जहां घर में नमाजी नहीं थे। अब उन घरों से ये वाकयात हो रहे हैं जहां रातों में तहज्जुद पढ़ी जाती है, जहां फजर की नमाज पढ़ी जाती है, जहां घर से कोई लड़की बगैर नकाब के नहीं निकलती, आज उन घरों में ये वाकयात हो रहे हैं। अफसोस की बात यह है मेरे भाई, शर्म की बात यह है। और मैं बताऊं, ये लड़कियां जो आज जिनके कदम बहक रहे हैं, हमें सिर्फ इन लड़कियों को टारगेट नहीं करना चाहिए, हमें इस पर भी नजर रखनी चाहिए, लड़कियों का बाप कैसा है, लड़कियों का भाई कैसा है, लड़कियों के घर में जेंट्स कैसे हैं। आप आम के बबूल का पेड़ बो करके आम नहीं तोड़ सकते मेरे भाई। घर के गार्जियन और घर के मर्दों की तरबियत, उनके जरिए घर जन्म लेता है और घर मजबूत बनता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया। ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, अल्लाह ने अपनी कुदरत से हजरत मरियम को बगैर शौहर के मिलाप के, बगैर मर्द के मिलाप के, हजरत मरियम प्रेग्नेंट हुई और बच्चा पैदा हुआ उनका। दुनिया इस बच्चे को ईसा मसीह के नाम से जानती है। बेटा पैदा हुआ, हजरत ईसा जब पैदा हुए, मां ने उनको गोद में लिया, और गोद में लेकर के जब अपनी कौम के पास से गुजरी तो
तो कुरान कहता कालू या उख्ता मा या उख्ता हारूना मा काना बू किमरा सऊं व मा कानत उम्म के बगिया। कौम के लोगों ने जब मरियम की गोद में दूध पीता बच्चा देखा, चाहे मरियम अभी तो तेरी शादी न हुई थी, अभी तो तू किसी के निकाह में ना आई थी, ऐ मरियम ये पाप तू कहां से लेके आई, ऐ हारून की बहन, ऐ हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बदचलन था ना तेरी मां बदचलन थी, तूने ये पाप कैसे कर लिया। उलमा कहते हैं यहां कौम के लोगों ने हारून की बहन का, हजरत मरियम के कोई भाई हारून नाम के थे, गोया कि अल्लाह ताला ने इस आयत में यह पैगाम दिया कि अगर भाई नेक हो, भाई दीनदार हो, भाई के चाल चलन ठीक हो तो बहन के कदम के बहकने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर बहन के कदम बहक रहे हैं समझ जाओ घर में भाई गड़बड़ है। माँ का नाबू किमरा सऊ, अरे मरियम तेरा बाप तो बुरा ना था, अगर बाप शरीफ हो, अगर बाप सीधा साधा हो, अगर बाप नेक हो तो औलाद के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लोगों ने कहा मरियम तेरा बाप भी गड़बड़ नहीं था, लोगों ने कहा मरियम वमा कानत उम्मुकि बगिया, तेरी माँ भी बदचलन नहीं थी, तू कैसे बदचलन हो गई। अगर माँ सही हो, अगर बाप सही हो, अगर भाई सही हो तो बेटियां गड़बड़ नहीं हो सकती मेरे भाई। इसलिए बेहतर है कि पहले हम अपने गरीबानों में झांके मेरे भाई, लड़कियों को हम बाद में कोसे, पहले हम एक गार्जियन की जिम्मेदारी हम किस हद तक निभा रहे हम इस पर गौर करें। अभी हमारे बड़े अब्बा का इंतकाल परसों, तीन रोज पहले की बात है, हमारे बड़े वालिद, हमारे वालिद के सबसे बड़े भाई का इंतकाल हुआ, जो हम लोग बड़े अब्बा उनको बोलते थे, उनका इंतकाल। इंतकाल के बाद घर में बैठे हुए थे, हमारे बड़े अब्बा के लड़कों ने हमसे कहा मौली साहब हम अपने अब्बा के लिए क्या कर सकते हैं। यानी ये बड़ी अच्छी बात है कि औलाद के अंदर ये फिक्र हो कि बाप, बाप की जिंदगी में भी उन्होंने बाप की खिदमत की और बाप के इंतकाल के बाद भी ये फिक्र है कि हम अपने बाप के लिए क्या कर सकते हैं। तो औलाद को ऐसा बनाओ कि आपकी जिंदगी में भी वो आपकी खिदमत करे और मरने के बाद भी आपके लिए वो सदका करे, आपके लिए दुआ करे। जिस औलाद के लिए आपने जमीन और जायदाद बनाई, जिस औलाद के लिए आपने प्रॉपर्टी बनाई, अगर वो औलाद इस लायक नहीं है कि अपने बाप का जनाजा खड़ी होकर के पढ़ सके, अपने बाप के लिए मगफरत की दुआ कर सके, तो ऐसी औलाद से बे औलाद मर जाना बेहतर है मेरे भाई। बे औलाद मर जाओ मगर ऐसी औलाद मत छोड़ के जाओ जो आपके हक में दुआ भी ना कर सके। और एक बात कान खोल करके सुन लो, आज लोग औलाद के लिए बहुत कुछ करते हैं। मैं तो गवर्नमेंट टीचर हूं, हमारे यहां LIC वाले दौड़ते रहते हैं, मौली साहब आपकी कितनी बेटियां, मैंने कहा तीन बेटियां हैं, अरे अरे आप बेटी के बाप हैं। अच्छा बेटी के बाप पर समाज इतना मेंटल प्रेशर डाल देता है, बेचारा बच्चियां भी छोटी है, बाप टेंशन में रहता है। अब LIC वाले दौड़ते हैं, अच्छा आपकी बेटियां हैं, अरे तो आपको ये पॉलिसी ले लेनी चाहिए, आपकी बेटियां जब कल 20 साल की हो जाएंगी उनको पढ़ाना है, लिखाना है, शादी करना है। बेटियों के लिए आज लोग LIC लेते हैं, बच्चों के लिए लोग जमीन जायदाद खरीदते हैं। मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपनी औलाद के लिए यह है मेरे भाइयों कि अपने आप को नेक बना लो, अपने आप को नेक बनाओ, अपने किरदार को अच्छा बनाओ। अगर आप नेक हैं, आपका किरदार अच्छा है, आपका कैरेक्टर अच्छा है, आपका अमल अच्छा है, अल्लाह की कसम आपकी औलाद के लिए इससे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। कुरान करीम का 16वां पारा उठाइए, अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहि सलाम का और हजरत खजर का वाकया बयान किया। हजरत मूसा और खजर दोनों जा रहे, एक बस्ती के पास से गुजर हुआ, बस्ती वाले बड़े कंजूस थे, मक्खी चूस थे, बड़े बखील थे, ये दोनों बेचारे भूखे प्यासे थे, इन्होंने खाना मांगा, बस्ती में किसी ने खाना नहीं खिलाया, दोनों एक दीवार में टेक लगा के बैठे थे। अचानक हजरत खजर ने देखा दीवार, एक मकान की दीवार गिरने वाली है, हजरत खजर उठे और दीवार को सीधा कर दिया। अल्लाह ने उनको जिस्मानी एतबार से ताकतवर बनाया था, उन्होंने हाथ से अपने सीधा कर दिया। कौला लौशी तलत तखस्ता अलैहि अजरा, हजरत मूसा ने कहा ऐ खजर आप अगर चाहते तो इनसे पहले पैसा ले लेते, इनसे मजदूरी ले लेते, ये बड़े बखील लोग हैं, इन्होंने हमको एक गिलास पानी तक न पूछा, आपने फ्री में इनकी दीवार क्यों ठीक कर दी। जब हजरत खजर ने
अपने इस काम की हकीकत बयान की कि ये काम मैंने अल्लाह के हुक्म से किया था, तो उन्होंने जवाब दिया وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا। ऐ मूसा, वो दीवार जो गिरने वाली थी वो दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। उस मकान के अंदर दो यतीम बच्चे रहा करते थे, उनका बाप दुनिया से जा चुका था, उनका बाप मर चुका था। وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, और ऐ मूसा, उन दोनों बच्चों का बाप बहुत नेक इंसान था, बहुत मुत्तकी इंसान था, नेक इंसान था। अल्लाह ताला ने उस नेक बाप ने अपने बच्चों के लिए दीवार के नीचे खजाना छुपा करके रखा था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना बाहर आ जाता, कौम के लोग लूट के चले जाते। अल्लाह ने उस नेक बाप के बच्चों का खजाना लूटने न दिया। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, मैंने दीवार को गिरने से बचाया ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाए अपने बाप का खजाना हासिल कर ले। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि बच्चों की नेकी का जिक्र नहीं है, बच्चे नेक नहीं थे, बच्चों का बाप नेक था। मेरे भाई, आप अगर नेक होंगे, आप दीनदार होंगे, आप मुत्तकी होंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपकी आने वाली नस्लों की हिफाजत करेगा, आपकी जमीन जायदाद की हिफाजत करेगा। बनारस के एक बहुत बड़े व्यापारी कश्मीर जाते हैं, आज से 30-40 बरस पहले का वाकया है, हमारे खानदान के थे, बड़े खास थे, मैं नाम नहीं लूंगा। कश्मीर जाते हैं बिजनेस के सिलसिले में, कश्मीर जाते हैं, रास्ते में ट्रेन में एक आदमी मिलता है, चिकनी चुपड़ी बातें बना करके उनको अपने फेवर में ले लेता है, और हाजी साहब बेचारे इतने इंप्रेस होते हैं उस नौजवान से। कश्मीर में जब वो जाते हैं, होटल में ठहरते हैं, उस नौजवान को भी होटल में अपने कमरे में ठहरा लेते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, किसी पर आंख मूंद के भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी औलाद पर भी आंख मूंद के भरोसा नहीं करना चाहिए। आज ये भी हो रहा है, मौलवी साहब हमें अपनी बिटिया पर भरोसा है। इस्लाम भरोसा करने की तालीम देता है, मगर आंख मूंद के भरोसा मत कीजिए। जिन घरों की लड़कियां आज भागी हैं, उनके मां बाप ने भी भरोसा किया था। किसी पर आंख मूंद के भरोसा मत कीजिए मेरे भाई। हाजी साहब ने भरोसा कर लिया नौजवान के ऊपर, लाखों का माल लेके गए थे, होटल की चाबी उसको दे दी। हाजी साहब नमाज पढ़ने के लिए गए, वापस आए, नौजवान भी गायब, लाखों का माल भी गायब। हाजी साहब कश्मीर के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, थाने पर पहुंचते हैं, थाने पर दारोगा से कहते हैं FIR लिखिए, मेरा इतने लाख का माल गायब है, एक नौजवान था, उसका ये हुलिया है, उसने मेरा माल चुराया है। थानेदार ने, पुलिस स्टेशन पर जो ऑफिसर था उसने FIR दर्ज कर ली, लेकिन बड़ी मायूसी के लहजे में कहा, हाजी साहब इतना बड़ा कश्मीर है, वो पता नहीं माल लेकर अब तक कहां चला गया होगा, मुश्किल है आपके माल का मिलना। हाजी साहब ने एक ही जुमला कहा था इंस्पेक्टर साहब, उस माल की जकात में निकाल के आया, उस माल की जकात में निकाल के आया हूं, मुझे अपने रब की जात पर मुकम्मल भरोसा है, मेरा माल बर्बाद नहीं हो सकता, मेरा माल जाया नहीं हो सकता। बहरहाल पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, 24 घंटे के अंदर चोर भी पकड़ा गया, सारा माल भी बरामद हुआ। ये भरोसा होता है मेरे भाई, रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदों की मदद करता है। आपके माल की, आपके हलवायाल की, आपकी जमीन जायदाद की अल्लाह हिफाजत करेगा जब आप खुद दीनदार होंगे। इर्तिदाद का फितना जो इस वक्त पूरी उम्मत को, और खास तौर से इस वक्त हमारे मुल्क में जो ये फितना दरपेश है, इस फितने की गहराई में भी अगर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें अपनी कमियां और कोताहियां नजर आएंगी। आज आप गौर करें, घरों में आज जिन घरों में इर्तिदाद का मसला पेश आया, उसकी शुरुआत कहां से हुई? आपकी लड़की फेसबुक चला रही है, आपकी लड़की व्हाट्सएप चला रही है, आपकी लड़की इंस्टाग्राम चला रही है, किसी से इश्क कर रही है, किसी से मोहब्बत कर रही है। घर में मां कभी प्यार से बात नहीं करती, बाप ने कभी मोहब्बत से देखा नहीं है, और वो कोई पराया लड़का है, कोई नौजवान है, वो मोबाइल पर उसको आई लव यू बोल रहा है, मोहब्बत से बातें कर रहा है, उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा है, वो उसके चंद अल्फाज पे लट्टू हो जाती है। और ये इश्क और मोहब्बत का खुमार ऐसा चढ़ता है कि वो लड़की अपने मां बाप की इज्जत को ही नहीं, अपने मजहब और अपने इस्लाम को भी भूल जाती है। इसीलिए इस्लाम ने बड़ी सख्ती के साथ ये हुक्म दिया है
कि किसी भी गैर महरम लड़के के साथ लड़कियों को तन्हाई न दी जाए। एक औरत और एक मर्द तन्हाई में न मिले। अगर तन्हाई में गैर महरम मर्द और एक गैर महरम लड़की मिलेंगे तो अल्लाह के नबी फरमाते तीसरा शैतान। मेरे प्यारे भाइयों, आज सोशल मीडिया के दौर में आज प्राइवेसी सबके पास हो गई। लड़की किससे बातें कर रही है किसी को नहीं मालूम। इंस्टाग्राम पर किससे चैटिंग हो रही है नहीं मालूम। व्हाट्सएप पर किससे बातें हो रही है नहीं मालूम। आज गैर महरम लड़के और लड़कियों का मिलना बिल्कुल आसान हो गया। और इसीलिए आज ये जिनाकारी के वाकयात पेश आ रहे हैं, बदकारी के वाकयात पेश आ रहे हैं। सबसे पहले इसके ऊपर रोक लगाओ। मेरे प्यारे साथियों, इसको मोहब्बत के ये मामलात इसलिए भी पेश आ रहे हैं क्योंकि आप अपने घर में अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं। दिन भर लोग थके आ रहे अपने काम में लगे रहते हैं, शाम को जब घर पर पहुंचते हैं बच्चे अलग मोबाइल की दुनिया में मगन है, बीवी अलग मोबाइल की दुनिया में मगन है और बाप अलग मोबाइल की दुनिया में मगन है। मेरे भाई, अपने बच्चों को मोबाइल के हवाले न करो, अपने बच्चों को मोबाइल के हवाले न करो। बच्चों को बाप का प्यार दो, बच्चों को माँ का प्यार दो। बच्चों को आज बाप का प्यार नहीं मिल रहा है, बच्चों को माँ का प्यार नहीं मिल रहा। बच्चा रो रहा है मोबाइल थमा दिया, बच्चा खाना नहीं खा रहा है मोबाइल थमा दिया। मोबाइल के जरिए बच्चों की परवरिश मत करो, बच्चों को माँ का प्यार दो, बच्चों को बाप का प्यार। अरबी का एक शायर कहता है, लैसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाति व खल्फाहु ज़लीला। अरे यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे दुनिया में यतीम छोड़ के चले गए हो। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत व अदम मशगूला। अरे यतीम तो वो है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम ना हो। अपने बच्चों के लिए टाइम निकालो, बच्चों को प्यार दो, मोहब्बत दो। लड़कियों को खास तौर से, बेटियों को खास तौर से, उन्हें मोहब्बत के साथ उनके साथ पेश आओ। बाप होने का मतलब यह नहीं कि बेटियां अगर जवान हो जाएं, बड़ी हो जाएं तो बाप अपनी बेटियों को मोहब्बत से उनसे बात न करें। क्या आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन बाप है क्या? अल्लाह के नबी चार चार बेटियों के बाप थे मगर बेटियों से कितना प्यार करते थे। हजरत आयशा फरमाती है जब आपकी बेटी अम्मा आयशा फरमाती कि जब आपकी बेटी हजरत फातिमा आपसे मिलने के लिए आती थी अल्लाह के नबी खड़े हो जाते थे। अपनी बेटी के इस्तकबाल में, अपने बेटी के स्वागत में अल्लाह के प्यारे हबीब खड़े हो जाते थे और अपनी बेटी की पेशानी को चूम लेते थे और अपने बाजू में, अपने बगल में जहां आप बैठते थे वहां अपनी बेटी को बिठाते थे। नबी ने बेटियों से प्यार किया है। मेरे घर में अगर प्यार की कमी हुई, घर में मोहब्बत की कमी हुई, घर में तवज्जो की कमी हुई तो लव ट्रैप के जाल में फंसना बहुत आसान हो जाएगा। मेरी इस बात को तजर्बे की रोशनी में मैं बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। अगर इश्क और मोहब्बत के जाल से अपनी बेटियों को बचाना चाहते हैं तो उन्हें प्यार दीजिए। बचपन से अपने और बेटे और बेटियों में फर्क मत कीजिए। बेटों का अपना काम है, बेटियों का अपना काम। हमने तो समाज में देखा बेटों से ज्यादा बेटियां अपने मां बाप की वफादार होती। कितने बेटों को तो हमने देखा कि बेटा है, मां बाप बीमार है, बेटों को कोई मतलब नहीं। बेटी अपने ससुराल में, मां का फोन गया, बेटा तेरे अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, बेटी सारे काम धाम छोड़ के चली आती है। बेटा उसी घर में रहता है, बाप बीमार है, बेटे को इतनी तौफीक नहीं कि अपने बाप को जाकर के हाल चाल ले सके। अपने बाप का दवा इलाज करना तो बहुत दूर की बात है। तो बेटियों को आपका मत समझिए, बेटे बेटियों दोनों से प्यार। दूसरा बहुत बड़ा मसला लड़कियों के इर्तिदाद की बहुत बड़ी वजह यह है मेरे भाइयों, वालिदैन की लापरवाही, वालिदैन की बेतवज्जुही। आप सिर्फ प्यार ना करें, जहां सख्ती करने का मौका है वहां सख्ती भी कीजिए। मैं कहता हूं मेरे नबी बच्चों से कितना प्यार करते थे। मेरे नबी ने कभी बच्चों पर हाथ नहीं उठाया। मेरे नबी की पूरी सीरत उठा के देखिए, आपने कभी किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया। 10 साल तक हजरत अनस कहते मैंने नबी की खिदमत की लेकिन नबी ने कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। लेकिन वही अल्लाह के नबी फरमाते मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबईन। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज का हुक्म दो, वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशर। और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े तो उनकी पिटाई करो, उनको मारो।
मेरे प्यारे साथियों, गौर करो अल्लाह के नबी किस कलेजे के साथ ये बात कर रहे होंगे। जिस नबी ने कभी बच्चों पर हाथ नहीं उठाया, जिस नबी ने कभी बच्चों को नहीं मारा, वो नबी कह रहे हैं जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनको मारो, क्योंकि बच्चों का प्यार अपनी जगह है, बच्चों की मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन नमाज की अहमियत अपनी जगह है। 10 साल का बच्चा हो गया और नमाज नहीं पढ़ रहा है तो तुम उसकी पिटाई करो, उसको मारो। और आगे अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे, वफर्रिकु बैनहुम फिल मजाज, जब तुम्हारे बच्चे बच्चियां 10 साल के हो जाएं तो उनके बिस्तर अलग कर दो। 10 साल के हो गए, अब फिजिकल चेंजेस आने लगे, अब हार्मोनल चेंजेस आने लगे, अब लड़कियां जवान होने लगी, लड़के जवान होने लगे, अब एक बिस्तर पे एक चादर में उनका सोना मुनासिब नहीं, उनके बिस्तर अलग कर दो, उनकी चादरें अलग कर दो। अल्लाह, बच्चे 10 साल के भाई अभी हमारी नजर में मासूम है, लेकिन शरीयत के अहकाम वहां से शुरू होते हैं जहां से आप आपका दिमाग नहीं पहुंच सकता। शरीयत 10 साल के बच्चों का बिस्तर अलग करने की तालीम दे रही है। ये नबी अकरम की तालीम है मेरे भाई। आपने प्यार भी किया है, आपने लाड भी किया है, और आपने सख्ती करने का भी हुक्म दिया है। हजरत फातिमा से इतनी मोहब्बत करते थे आप, लेकिन मौका पड़ा तो आप हजरत फातिमा से नाराज भी हुए। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी हजरत फातिमा से मिलने के लिए गए और दरवाजे से आप वापस चले आए। हजरत फातिमा को पता चला मेरे अब्बा जान आए थे, आके वापस चले गए। फौरन हजरत अली को भेजा, जाओ पता करो अब्बा जान आकर के वापस चले गए, क्या बात है। हजरत अली आते हैं, अय अल्लाह के नबी क्या बात है, आप हमारे दरवाजे पर आकर के वापस चले गए, हमने क्या गलती कर दी। आपने फरमाया, बुखारी के अल्फाज है, आपने फरमाया, रअयतु अला बाबिया सित्रम वश्या, ऐ अली जब मैं फातिमा से मिलने के लिए गया मैंने क्या देखा कि फातिमा के दरवाजे पर जो जो पर्दा लटका हुआ है वो बड़ा डिजाइनदार पर्दा है, उसके ऊपर तस्वीरें बनी है, उसके ऊपर डिजाइन बनी हुई है। ऐ अली फातिमा तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, फातिमा तो मेरी बेटी है, मैंने फातिमा को कभी दुनियादारी न सिखाई, मैंने फातिमा को कभी दुनिया की मोहब्बत न सिखाई। ऐ अली मेरी बेटी के दरवाजे पर ऐसा पर्दा कहां से आ गया, माली वली दुनिया। ऐ अली जब मेरा दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जब मैंने दुनिया से अपना ताल्लुक नहीं जोड़ा, मेरी बेटी के दरवाजे पर दुनियादारों का पर्दा कैसे आ गया। हजरत अली ने पूछा, अल्लाह के नबी अब क्या करें। आपने फरमाया, जाओ उस पर्दे को हटा दो, उसको मदीना के गरीबों में जाकर के तकसीम कर दो, आज के बाद वो पर्दा तुम्हारे घर के दरवाजे पर नहीं होना चाहिए। यह तालीम थी अल्लाह के नबी, यह तरबियत थी अल्लाह के नबी। हमारे यहां तरबियत के नाम पर हम जीरो हैं मेरे भाई। बच्चों को स्कूल पाल रहा है, बच्चों को ट्यूशन मास्टर पढ़ा रहा है, बाप कितने हमारे मदरसे में बाज लोग आते हैं, उनको ये भी नहीं मालूम होता कि बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है। ये किस हद तक गफलत है मेरे भाई। बेटियां स्कूल की छुट्टी हो रही है 2 बजे, घर पहुंच रही है 4 बजे, मां ने बड़े हल्के लहजे में पूछा, बेटी आज देर हो गई। हां मां, वो सहेली क्या गई, 2 घंटा लेट आ रही है बेटी, कोई मतलब नहीं। बेटी को आपने 10,000 का मोबाइल दिलाया तो उसके हाथ में 50,000 का आईफोन कहां से आया। 500 रुपये वाला आपने पर्स दिलाया था, उसके पास 2,000 वाला पर्स कहां से आया। क्या ये मां की जिम्मेदारी नहीं है। मेरे भाई औलाद बहुत बड़ी नेमत भी है, औलाद बहुत बड़ी नेमत भी है और बहुत बड़ी आजमाइश भी है, और खासतौर से बेटियां बहुत बड़ी आजमाइश है। ये नबी का जुमला है कि बेटी बहुत बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मनिबतुलिया मिन हाज़िल बनाति शैया, जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके इम्तिहान ले, जिसका इम्तिहान अल्लाह ताला बेटी दे करके लेता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है, कुन्न लहू सित्रम मिनन्नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करती है। आपकी बेटी अगर आपने बाप होने का हक निभाया, अगर आपने मां होने का हक निभाया, आपकी बेटी आपको जहन्नम की आग से बचाने का काम करेगी। आपके बेटे आपके लिए नजात का जरिया बनेंगे, लेकिन अगर आपने बाप होने का हक ना निभाया, आपने मां होने का हक ना निभाया, आपने अगर अपनी औलाद को सही तालीम और तरबियत नहीं दी,
तो कान खोल करके सुन लो, ये औलाद आपके हक में आपके गले की हड्डी बन जाएगी, आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, अल्लाह ताला अगर किसी बंदे के ऊपर कोई जिम्मेदारी डाल दे, सुम्मा यमूतु यौमा यमूतु वहुवा गाशुन लिरईयतिही, और वो इस हाल में मर जाए कि वो अपने अपने उस जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहा था। इल्ला हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम है, जन्नत हराम है उस माँ के ऊपर जिसने कभी अपनी बेटी से ये नहीं पूछा रात को तू 2 बजे किससे बात कर रही थी, जन्नत हराम है उस बाप के ऊपर। इस बात से तो मतलब है कि बेटा कमा के ला रहा है, इस बात से कोई मतलब नहीं कि बेटा कहां से कमा के ला रहा है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर आप तवज्जो दीजिए, बच्चों को बनाने और बिगाड़ने में बड़ा किरदार होता है माँ बाप का। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल मौलूदुन युलदु अलल फितरा, जब बच्चा पैदा होता है तो इस्लाम के ऊपर पैदा होता है, फितरत के ऊपर पैदा होता है। फाबावाहु युहव्विदानी व युनस्सिरानी व युमज्जिसानी, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको मजूसी बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको ईसाई बनाते हैं। यानी बच्चा पैदा होता है तो तौहीद पर पैदा होता है, एक अल्लाह को मानने वाला पैदा होता है। बच्चा जब पैदा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर पैदा होता है, उसके अकीदे को बिगाड़ने वाले उसके मां बाप होते हैं। जानना चाहते हो तरबियत किसको कहते हैं? अभी कुर्बानी का त्योहार आ रहा है, कुर्बानी किसके किसकी यादगार में हम करते हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार है कुर्बानी, उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी की थी। कभी आपने गौर किया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम को यह हुक्म दिया कि अपने बेटे की कुर्बानी कर दो, उस वक्त इब्राहिम रहते थे फलस्तीन में, बेटा रहता था अपनी मां के साथ मक्का में। जाके गूगल मैप पे टाइप करो डिस्टेंस बिटवीन पैलेस्टाइन एंड मक्का, कई हजार किलोमीटर का डिस्टेंस आपको मिलेगा, कई सौ किलोमीटर, हजार नहीं तो कई सौ किलोमीटर का डिस्टेंस आपको मिलेगा फलस्तीन और मक्का के दरमियान। यानी बाप रहता है फलस्तीन में और बेटा अपनी मां के साथ रहता है मक्का में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चल करके मक्का आते हैं और न जाने कितनी मुद्दत के बाद अपने जवान बेटे को उन्होंने देखा, और जब जवान बेटे ने बाप को देखा होगा, मैं लफ्जों में नहीं बयान कर सकता कि बाप के दिल में क्या जज्बे आए होंगे और बेटे के दिल में क्या जज्बे आए होंगे। बाप ने बेटे को देखा, काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु फंजुर माज़ा तरा, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बेटे इस्माइल, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। यह नहीं कहा कि अल्लाह का हुक्म है, यह नहीं कहा कि अल्लाह का फरमान है, बल्कि पूरा सही सही सच्चा सच्चा वाकया बता दिया। ऐ मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, तो तू बता दे तेरी क्या राय है। यहां पे रुक जाइए, क्या वाकई में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की राय लेना चाहते थे? नहीं, उन्हें राय लेने की जरूरत नहीं थी, वो चाहते पकड़ करके गर्दन पे छुरी चला देते, इस्माइल चू नहीं कर सकते थे, मगर यहां इब्राहिम ये देखना चाहते थे मेरे बेटे की तरबियत कैसी है, मेरे बेटे को मेरी बीवी ने हाजरा में पाला कैसे है, मेरा बेटा जवाब क्या देता है। फंजुर माजा तरा, ऐ मेरे बच्चे तू जवाब दे तेरी क्या राय है। काला या बतिफाल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इस्माइल जवाब देते हैं, अय अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप पूरा कर डालिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा सब्र करने वाला हो जाएगा। एक मर्तबा भी इस्माइल ने शिकवा नहीं किया कि अब्बा जान आपने तो हमेशा अपने आप को मुझसे दूर रखा, आज जब मैं जवान हो गया कुछ करने के काबिल हो गया, आप आए हैं मेरी गर्दन पे छुरी चलाने की बात कर रहे हैं। एक लफ्ज भी इस्माइल ने शिकायत का नहीं निकाला, अपने बाप से एक लफ्ज शिकायत का नहीं निकाला, बल्कि अब्बा जान कह करके खिताब किया। और जानते हो इस्माइल ने अपने बाप को अब्बा जान क्यों कहा? क्योंकि जब इब्राहिम अपने बाप को तौहीद की दावत देते हैं तो अब्बा जान कह के दावत देते हैं।
बाप जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन फिर भी बाप को हजरत इब्राहिम अब्बा जान कह के बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से तौहीद की दावत देते हैं। अल्लाह का कानून है, अल्लाह का उसूल है, जिसने आज अपने बाप की कदर की, जिसने आज अपने बाप के साथ मोहब्बत का सलूक किया, जिसने आज अपने बाप की खिदमत की, कल उसकी औलाद उसकी खिदमत करेगी। इब्राहिम ने अपने बाप को अब्बा जान कह के खिताब किया, आज बुढ़ापे में इस्माइल अपने बाप को अब्बा जान कह के खिताब कर रहे हैं। आए अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप कर डालिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। ओ लोगो, इस्माइल को ये आदाब किसने सिखाए, कौन से स्कूल में पढ़ा, कौन से मदरसे में पढ़ा, इस्माइल को सिखाने वाली उनकी माँ हाजरा थी। ओ मेरे भाइयों, आज आज कौन को हाजरा के जैसी माओ की जरूरत है, अगर इस्माइल के जैसी नस्ल चाहिए, अगर इस्माइल के जैसे नौजवान चाहिए, तो आज हाजरा के जैसी माओ की जरूरत है। तरबियत इसको कहते हैं मेरे भाई, आज तरबियत नहीं हो रही, आज वालिदैन तरबियत नहीं कर रहे, मोबाइल थमा रहे अपने बच्चों। एक साहब कहने लगे अभी मुबारकपुर में आने के बाद, मौली साहब सबसे पहले तो लड़कियों से मोबाइल छीन लेना चाहिए। मोबाइल छीन लेने से मसला नहीं हल होगा, माफ कीजिए, मोबाइल छीन लेने से मसला नहीं हल होगा। और यह भी कान खोल के सुन लीजिए, घर से आपकी लड़की नकाब में निकलती है, पर्दे में निकलती है, इससे भी मसला नहीं हल होगा। आपकी लड़की को सिर्फ पर्दे में रहना सिखा देने से मसला नहीं हल होगा, यह पर्दे का हुक्म क्यों दिया गया है यह भी मालूम होना चाहिए। अगर आपकी बेटी को पर्दे का मतलब पता चल जाए तो वो आईएएस और आईपीएस बन जाए, तब भी वो अपने पर्दे से समझौता नहीं करेगा। आज इसी मऊ और मुबारकपुर की लड़कियां, अच्छे खासे दीनदार घरों की लड़कियां जब क्लास में टॉप कर लेती हैं, तो बड़े फख्र से न्यूज चैनल पर चेहरा खोल करके और पर्दा खोल करके इंटरव्यू देती हैं, कहां चली गई तुम्हारी गैरत, कहां चला गया तुम्हारा पर्दा। अगर आप किस इलाके की सीट महिला सीट हो गई, आपके यहां के इलाके की औरतें अगर इलेक्शन लड़ रही हैं, तो क्या पर्दे में रह करके और चेहरे का पर्दा करके इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता? अगर आप चाहें मेरे भाइयों, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर इंसान अपने दीन को लेकर के, अपने मजहब को लेकर के, अपने अकायद को लेकर के अगर सख्त हो, दुनिया की कोई ताकत उसे टस से मस नहीं कर सकती। हमने देखा साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर है हाशिम अमला, उसकी बीवी अपने शौहर के साथ क्रिकेट मैच देखने आती है। साउथ अफ्रीका जैसे मुल्क में जहां बड़ी बेपर्दगी है, बड़ी उरियानियत है, लेकिन उसने अपनी बीवी की तरबियत ऐसी की है, अपनी बीवी को ऐसे रखा है उसने, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाती है, वो औरत मुकम्मल सर से पैर तक नकाब में रहती है, पर्दे में रहती है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, दुनिया की कोई ताकत आपसे आपका पर्दा नहीं छीन सकती, आपकी शर्म हया नहीं छीन सकती मेरे भाई। तो हमें अपनी बेटियों को सिर्फ पर्दा कराना नहीं है, पर्दा सिखाना भी है। हमारी कौम की बेटियों को पता तो चले कि ये पर्दे का हुक्म क्यों दिया गया है, और ये कब पता चलेगा, जब आप उन्हें दीनी तालीम देंगे। हमारे यहां दीनी तालीम के नाम पर बस नाजरा कुरान पढ़ा दिया बच्चियों को, किसी मौली साहब के जरिए, किसी हाफिज जी के जरिए बच्चियों ने नाजरा कुरान पढ़ लिया, कुरान तो पढ़ लिया रट्टू तोते की तरह, कुरान की मीनिंग क्या है, कुरान का मतलब क्या है, कुरान का अर्थ क्या है, वो किसी को नहीं मालूम। उसने बचपन से सीखा कि पर्दा करना है, लेकिन ये पर्दा क्यों करना है उसे किसी ने नहीं सिखाया। ये जब कुरान पढ़ेगी तब उसे मालूम होगा कि पर्दे का हुक्म क्यों दिया गया। या अय्युहन नबी उल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्ना, ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दीजिए, अपनी बीवियों से कह दीजिए और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर जिलबाब डाल लें, अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें, ज़ालिका अदना अय्युर अपना फला युज़ीन, ये पर्दा दुनिया को बता देगा ये इज्जतदार घर की लड़कियां हैं, ये इज्जतदार घर की औरतें, इस पर्दे की वजह से लोग उनको पहचान लेंगे। आज हमारे मुल्क में इस्लामोफोबिया का दौर चल रहा है, न्यूज चैनल वालों के पास कोई न्यूज नहीं है,
महंगाई मुद्दा नहीं है, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें मुद्दा नहीं है, मणिपुर में दुनिया भर के होने वाले फसादात मुद्दा नहीं है। मुद्दा है तो हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, मुद्दा है तो लव जिहाद मुद्दा है, मुद्दा है तो मुसलमानों को लेकर के किस तरीके से नफरत परोसी जाए, ये मुद्दा है। मान लो कोई मुसलमान अगर किसी लड़की को कत्ल करता है तो जरूरत नहीं कि उसके पीछे मजहब जिम्मेदार हो, जरूर कोई भी बहक सकता है। अगर अगर किसी आफताब ने किसी श्रद्धा को मारा था, तभी मुंबई में किसी मनोज ने अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को मार करके उसके टुकड़े टुकड़े करके कुकर में पकाया था। मेरे भाइयों, एक तरफ ये कहा जाता है कि जुर्म का कोई मजहब नहीं होता, और दूसरी तरफ मीडिया बड़े बड़े बने बनाए एजेंडे के तहत नफरत का एक माहौल पैदा कर रहा है और इस्लामोफोबिया का माहौल पैदा कर रहा है। और इस दौर में धीरे धीरे आप देखिए, अभी हूरों पर बात चल रही है, अभी हूरों पर बात चल रही है, अब बॉलीवुड में ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसी जाए। अभी 72 हूरों की बात चल रही है और हूरों का मजाक उड़ाया जा रहा है। और अफसोस तो तब होता है जब न्यूज चैनलों पर अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहने वाले 2% के लोग पहुंचते हैं, जिनको इस्लाम का कोई, इस्लाम की शरीयत की ABCD भी नहीं आती, जिनको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता, उनके नाम के साथ मौलाना लगा हुआ है, उनके नाम के साथ इस्लामिक स्कॉलर लगा है, और 1500 रुपये के लिए ये जाकर के डिबेट में मुसलमानों को जलील करने का काम करते हैं। मैं कहता हूं बायकॉट करो ऐसे न्यूज चैनलों का, नहीं जाना चाहिए। जहां जज भी तुम्ही हो, वकील भी तुम्ही हो और फैसला भी तुम्ही करना है, वहां जाकर के हम अपने फेवर में अपने हक में बोले भी तो क्या बोले। मेरे भाइयों, ये न्यूज चैनल के जो डिबेट्स हैं ये मुकम्मल एक तरफा होते हैं। अभी एक साहब का डिबेट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई हूर किसको कहते हैं, कहा कि हूर का मतलब होता है कोई हैरत वाली चीज। ये हमारे मुबारकपुर के उलमा बैठे हैं, बड़ी इल्मी सरजमीन है, पूछो इनसे हूर का ये मतलब कहां लिखा है भाई, हैरत वाली चीज। ये हूर का बिल्कुल कोई मतलब नहीं। हूर के बारे में हमारा अकीदा है कि जन्नत में अल्लाह ताला ने औरतों को बनाया है, बड़ी खूबसूरत औरतें हैं, उनकी खूबसूरती का जिक्र कुरान में भी है। अब ये 72 की गिनती लोगों ने अपने मन से बना ली, उनकी गिनती का कोई कोई स्पेसिफिक कोई गिनती नहीं है, लेकिन बहरहाल हूरों पर हमारा ईमान है, हूर है, जन्नत में हूरें होंगी। जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट क्या हमारे हिंदू भाइयों के धार्मिक ग्रंथों में नहीं है, क्या बाइबल के अंदर नहीं है, क्या तौरात के अंदर नहीं है? किसी मजहब के अकीदे के साथ खिलवाड़ क्यों? इस मुल्क का संविधान कहता है कि किसी भी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी के धार्मिक अकायद पर, उसकी आस्था पर चोट नहीं होनी चाहिए। आज हूरों का मजाक उड़ाया जा रहा है और इन हालात की वजह से हमारे बहुत सारे नौजवानों को भी उनके जहन में डाउट्स पैदा होते हैं। उनको लगता है यार ये वाकई में हूर वगैरह का चक्कर कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्जी है। याद रखो मेरे भाई, कुरान की आग की शुरुआत इससे होती है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना यूमिनून बिल गैब, कि कुरान पर वो ईमान रखते हैं जो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं। हमने जन्नत को नहीं देखा, हमने जहन्नम को नहीं देखा, हमने हूरों को नहीं देखा, हमने जहन्नम का अज़ाब नहीं देखा, मगर हम ईमान रखते हैं कि अल्लाह के मुत्तकी बंदे जन्नत में जाएंगे, अल्लाह के नाफरमान बंदे जहन्नम में जाएंगे। आज एक एजेंडे के साथ मेरे भाइयों इस्लामी शरीयत का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। इस दौर में हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने बच्चों को दीन और इस्लाम की जो बेसिक नॉलेज है वो दें। ठीक है, दारुल तालीम से पूरी आलिमियत की तालीम हासिल करना जरूरी नहीं है, जामिया सल्फिया और जामिया अशरफिया से पढ़ करके फारिग होना लोगों के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन दीन का बेसिक इल्म और इस्लामी शरीयत के बुनियादी अकीदों को सीखना यह हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, हम दीन की बेसिक नॉलेज को सीखें और अपनी बेटियों को भी सिखाएं। माफ कीजिएगा, अब दौर बहुत बदल चुका है। अब मैं अपने उन उलमा से भी कहना चाहूंगा बड़े अदब के साथ, जिन्होंने कल तक बड़ी सख्ती के साथ कहा था कि मस्जिदों में औरतों का जाना फितना है, अब उनसे बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा मौलवी साहब, अब अपने फतवे पर जरा सा गौर कर लीजिए, अब औरतों का मस्जिद में ना आना बहुत बड़ा फितना है। अब जुमा की नमाज में और जुमा के खुतबे में अगर औरतों के हाजिर होने का इंतजाम किया जाए और पर्दे का माकूल इंतजाम किया जाए, साल भर में 52 जुमा के खुतबे होते हैं, अगर आधा आधा घंटे की ये 52 तकरीरें हमारे और आपके घर की औरतें सुनेंगी, उनको दीन की बड़ी बड़ी कीमती बातें सुनने को मिलेंगी, दीन सीखने का मौका मिलेगा। कभी आपने गौर किया, हमारे घरों की औरतें दीन के मामले में बिल्कुल जीरो है मेरे भाई। कितनी औरतें हैं उनको अल्लाह के नबी के बारे में बड़ी बेसिक बातें नहीं मालूम, कितनी औरतें हैं उनको नमाज की दुआएं नहीं मालूम,
कितनी औरतें हैं उनको वजू और तहारत का तरीका नहीं मालूम, कहीं मैयत होती है तो मैयत को कैसे नहलाया जाए नहीं मालूम, मोहल्ले की सबसे जाहिल औरत आकर के मुर्दे को नहलाती है, मैयत जो मुर्दा औरत होती है उसको नहलाती है। मैयत को नहलाने के मामले में तरह तरह की बिदात राइज हैं, इन बिदात को कौन रोकेगा, इन खुराफात को कौन रोकेगा। अपने घर की औरतों को दीन की तालीम दो मेरे भाई, अपने घर की लड़कियों को दीन सिखाओ। अगर आपने दीन की तालीम नहीं दी, यकीन रखिए, यकीन रखिए, ये इर्तिदाद का फितना रुकने वाला नहीं है। अभी तो बड़ी प्लानिंग के साथ और बड़े मास्टर मैप के साथ काम हो रहा है, अभी तो छिटपुट वाकयात हो रहे हैं। अगर हमने और आपने कंट्रोल नहीं किया और हालात की हसासियत को नहीं समझा, हालात की सेंसिटिविटी को नहीं समझा, तो अभी हालात और खराब होंगे। मेरे भाइयों, अपनी कौम की मुर्तद होती बच्चियों को बचा लो, और उसका एक बहुत बड़ा रास्ता मैं बता रहा हूं, सही वक्त पर शादी करो। लड़कों की भी शादी सही वक्त पर करो, लड़कियों की शादी भी सही वक्त करो। हमारे यहाँ लड़कियों की शादी तो चलो 18-20 साल के होने के बाद, 21 साल के होने के बाद हो जाती है, लड़के 30-30 साल के हो जाते हैं शादी नहीं होती। जो लड़का 20 साल की उम्र में जवान हो रहा है, उसकी शादी आप 30 साल की उम्र में कर रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं वो 10 साल तक तहज्जुद पढ़ के अपने आप को जिना से बचाएगा। ये दौर जिनाकारी बहुत आसान हो चुकी है मेरे भाई, बदकारी बहुत आसान हो चुकी है। इस दौर में अगर जिनाकारी से बचाना है अपनी नौजवान नस्ल को, निकाह को आसान कर दो। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ून दीनहु व खुल्कहु फज़व्विजू, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है बाखलाक है, तो जल्दी से निकाह कर दो। इल्ला तफालू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ी व फसादुन आरीस, तो जमीन के अंदर फितना फैल जाएगा, फसाद फैल जाएगा। अगर दीनदारी को तरजीह नहीं दी, बिरादरी को तरजीह दिया आपने, स्टेटस को तरजीह दिया आपने, कारोबार को तरजीह दिया आपने, अगर आपने दीनदारी को तरजीह नहीं दी तो फितने पैदा होंगे। नबी ने अपनी सबसे लाडली बेटी की शादी की तो हजरत अली से की। हजरत अली कोई मालदार नहीं थे, गरीब थे, उनके पास तो निकाह के टाइम मेहर तक का पैसा नहीं था, उन्होंने जरा बेच करके मेहर का इंतजाम किया था। मेरे भाइयों, नबी ने चार बेटियों की शादी की, चारों में दीनदारी आपने देखी है। अपनी बेटियों और अपने बेटों के लिए दीनदार रिश्ता देखो। लड़का दीनदार है, थोड़ा कम कमाता है, थोड़ा घर कमजोर है, थोड़ा कारोबार कमजोर है, अगर दीनदार है तो इंशाअल्लाह आपकी बेटी पर कभी जुल्म और सितम नहीं करेगा, आपकी बेटी को कभी कोई ऐसा काम करने पर मजबूर नहीं करेगा जो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने वाला हो। लेकिन अगर आपने दुनिया देख ली, दुनिया का मकान और चमक दमक देख ली और दीनदारी नहीं देखी, तो हो सकता है कि आपकी लड़की की जिंदगी वहां जाके खराब हो जाए। इसी तरीके से इस वक्त एक और बहुत बड़ा मसला चल रहा है, और वो ये है औरतों और लड़कियों से जॉब कराने का मसला। लोग पूछते हैं, मौली साहब लड़कियों का जॉब करना कैसा है? पर्दे में रह करके लड़की जॉब कर सकती है? ऐसी जॉब जिसमें गैर महरम से इंटरेक्शन ना हो, पर्दे में रह करके औरत काम कर सकती है? मगर मेरा जुमला नोट कर लो, जॉब करना ये किसी लड़की की मजबूरी हो सकती है, लड़की की जरूरत और शौक नहीं हो सकता है। इस्लाम ने कमाने की जिम्मेदारी मर्दों को दी है, औरतों को कमाने की जिम्मेदारी नहीं दी है। अल्लाह ने मर्दों को कवाम इसीलिए बनाया है औरतों के ऊपर कि मर्द को कमा के लाना है, मर्द को घर चलाना है। आपने बेटियों को अगर कमाने का काम सौंप दिया, हमने बहुत सारे घरों में देखा जहां औरतें कमाई कर रही है, वहां के मर्दों को हमने दयूस देखा है, वहां के मर्दों को हमने बेगैरत देखा है। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों और अपनी बहुओं को इज्जत के साथ चार दीवारी में रखो। आपके इसी मऊ की सरजमीन के किसी शायर ने कहा था कि अल्लाह ने तुझे, तू जीनते खाना थी, शम में महफिल हो गई, तू घर की जीनत थी, आज तू महफिल की शमा हो गई। अल्लाह ने तुझे घर की जीनत बनाया था, घर का चिराग बनाया था, आज तू महफिल की शमा हो गई। अपने घर की लड़कियों को महफिल की शमा मत होने दो मेरे भाई। हमारे यहां शादी ब्याह में औरतें कैसे कपड़े पहनती हैं, वो कपड़ा कौन ला करके उनको देता है? पूरा जिस्म नजर आ रहा है, पूरी आस्तीन नजर आ रही है, पूरी पीठ नजर आ रही है। मुसलमानों के घरों में ऐसे लड़के ऐसे कपड़े पहने जा रहे, फर्क करना मुश्किल हो जाता है ये लड़की मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। कहां गई हमारी शर्मो हया? किसी दौर में मुबारकपुर का नाम लिया जाता था, मऊ का नाम लिया जाता था, बनारस का नाम लिया जाता था, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, कि पर्दा देखना हो तो मुबारकपुर में देख लो, पर्दा देखना हो तो मऊ में देख लो, पर्दा देखना हो तो बनारस में देख लो। आज इस पर्दे का जनाजा निकल गया हमारे घरों से,
शादी ब्याह के मौके पर ऐसे लिबास और ऐसे कपड़े हमारे यहाँ पहनाए जा रहे हैं, वो कपड़ा पहन करके भी हमारी हमारे घरों की लड़कियां नंगी नजर आती है। मेरे प्यारे साथियों, दयूस है ऐसे बाप, दयूस है ऐसे शौहर, दयूस है ऐसे भाई जो अपनी बहन बेटियों को ऐसा कपड़ा ला करके देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया तीन लोग ऐसे होंगे कयामत के दिन रब्बुल आलमीन न तो उनकी तरफ देखेगा, न उनसे बातचीत करेगा, न उनको पाक और साफ करेगा। कौन तीन लोग होंगे? आपने फरमाया अल आप को लिवालिदैही, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को तकलीफ देने वाला, वल मरअतुल मुतरज्जिला, और मर्दों की नकल करने वाली औरत, और नंबर तीन दयूस बेगैरत मर्द, अल्लज़ी युकिर्रु फी आलिहिल खुबुस, जिसके घर में बेगैरती हो रही हो, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो। अपने घर की औरतों को ऐसे पर्दे का आदी बनाओ कि वो दुनिया के किसी कोने में चली जाए, उनको ये एहसास हो कि मुझे बेपर्दा नहीं होना है, मुझे अपनी शर्म हया का लिहाज रखना है। और हमने नबी के दौर में ऐसी औरतों को देखा है, नबी के दौर में ऐसी औरतें नजर आती हैं। जंग के मैदान में एक औरत आती है, उसका बेटा शहीद हो चुका है, औरत जंग के मैदान में शहीदों की लाशों को देख रही है, लेकिन चेहरे को नकाब से ढाके हुए है, चेहरे को चादर से ढाके हुए। किसी ने कहा अम्मा तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा बेटा कत्ल हो गया और तू चेहरा ढाक के आई है, तू चेहरे को छुपा के आई है, तू नकाब पहन के आई है। तो उस माँ ने जवाब दिया था, उस माँ ने जवाब दिया था इन्नी रुजी तो इब्नी वलम उर्जा हयाई, मैंने बेटा खोया है, मैंने शर्म हया को नहीं खोया है, मेरी शर्म हया नहीं गई है, मेरा बेटा गया है। आज हमारी कौम को ऐसी औरतों की जरूरत है। अल्लाह की कसम, दिल दुखता है, दिल दुखता है, दिल तड़पता है जब हम सुनते हैं कि हमारी कौम की बेटी मुर्तद हो गई। ये सिर्फ गुस्सा करने की बात नहीं है, ये रोने का मकाम है। एक बेटी हमारी अगर मुर्तद हो रही है, इसका मतलब कि एक परिवार के जहन्नम में जाने का रास्ता तय हो रहा है, एक एक परिवार पूरा जहन्नम में जा रहा है। मेरे भाइयों, हमने तो नबी के दौर में ऐसी औरतों के वाकयात पढ़े थे जिन्होंने दीन और ईमान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। हमने हजरत सुमैया का वाकया पढ़ा था कि सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को उनके जवान बेटे के सामने, उनके शौहर के सामने जब नंगा कर दिया जाता है, बेआबरू कर दिया जाता है, और जालिम अबू जहल कहता है कि ऐ सुमैया, अगर तूने ईमान को नहीं छोड़ा, तूने मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ा, तो ऐ सुमैया तेरे जवान बेटे के सामने तेरी शर्मगाह पर हमला करके हम तुझे खत्म कर देंगे, बड़े बदतरीन तरीके से, बड़े हयासोस तरीके से तुझे कत्ल कर देंगे। सुमैया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इस शहादत के बदले मुझे जन्नत मिल रही है तो यह सौदा कोई महंगा सौदा नहीं है। सुमैया ने अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी और बड़ी बेदर्दी से सुमैया को शहीद कर दिया गया, मगर सुमैया ने इस्लाम से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तौहीद से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमारी कौम की तारीख तो ऐसी औरतों के वाकयात से भरी पड़ी। मेरे भाई, मेरे नौजवानों, आज बहुत सारे नौजवानों के बारे में हम देखते हैं और वीडियोस भी देखते हैं कि वो किसी टॉर्चर में आकर, किसी के जुल्म में आकर आज जुबान से कुफरिया कलमात बोल देते हैं, या दूसरों को खुश करने के लिए ऐसी बात बोल देते हैं जो अल्लाह को नाराज करने वाली है। मगर हमने तारीख में हजरत बिलाल का वाकया पढ़ा था। बिलाल कोई हैंडसम तो नहीं थे, बिलाल कोई खूबसूरत और स्मार्ट तो नहीं थे, बिलाल काले कलूटे थे, और अरब के तपते हुए सहरा पर बिलाल को लिटाकर बिलाल का मालिक उमैया इब्ने खल्फ उनके सीने पर गरम पत्थर रख देता था और बिलाल से कहता था, ए बिलाल तू मोहम्मद का दीन छोड़ दे, हम तुझे टॉर्चर करना छोड़ देंगे। बिलाल तेरा जिस्म तो स्याह है, तेरा बदन तो काला है, मगर बिलाल तेरे सीने में धड़कने वाला दिल वो ईमान से लबरेज है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत से भरा है। बिलाल की पीठ अरब के तपते हुए सहरा पर पिघल रही है, बिलाल का सीना गर्म पत्थर से दबा जा रहा है, मगर बिलाल की जुबान से एक ही सदा निकलती है, अहद अहद, मेरा रब एक है, मेरा अल्लाह एक है, मेरा माबूद एक है। हमने तो ऐसे वाकयात पढ़े हैं मेरे भाई। हमने तारीख में सुहैब रूमी का वाकया पढ़ा। सुहैब रूमी जब मक्का से मदीना जाने लगे, अपनी जिंदगी भर का सारा माल, सारा सारी दौलत इकट्ठा करके जब जाने लगे, मक्का के काफिरों ने पकड़ा, कहां जा रहे हो? कहा मदीना जा रहा हूं, अपने नबी के पास जा रहा हूं। कहा है सुहैब, जब तुम मक्का में आए थे तो गरीब थे, गरीब थे, फकीर थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, आज सारी दौलत लेकर के मदीना जा रहे हो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। का फिर क्या करोगे? का तुम्हें जाना है, अकेले जाओ, ये सारा माल तुमने मक्का में रह के कमाया है, ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा।
मेरे भाइयों, सुहैब रूमी ने एक मिनट के लिए भी गौर नहीं किया, एक मिनट के लिए भी तवक्कुफ नहीं किया। अपनी सारी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई उन मक्का के लोगों के हवाले कर दी और मदीना पहुंचे। नबी अकरम ने अपने इस सहाबी को देखा, सीने से लगाया और कहा, रबीह तल बैया। ऐ सुहैब, मुझे अल्लाह की तरफ से सारा मामला बता दिया गया है। ऐ सुहैब, तूने बड़े मुनाफे का सौदा किया है, तूने बड़े फायदे का सौदा किया है, तूने सब कुछ गवां करके अपने ईमान को बचाया है, अपने इस्लाम को बचाया है, तूने बड़े मुनाफे का सौदा किया है। मेरे भाई, हम गरीब हैं, हम कमजोर हैं, हम निहत्ते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, मगर हमारे पास एक ही दौलत है और वो दौलत ईमान की है। अब ये ईमान की दौलत भी अगर कोई लूटना चाहे तो हम आसानी से उसके हवाले कर दें, ये कैसे हो सकता है? कल कयामत का दिन होगा, कल अल्लाह की बारगाह होगी, अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे तू क्या लाया है? हम कहेंगे, अल्लाह कुछ नहीं, हमारे पास एक तेरी मोहब्बत है, एक तेरे नबी की मोहब्बत है। अय अल्लाह, एक तेरी तौहीद है, एक तेरे नबी की शरीयत की पासदारी है, एक ला इलाहा इल्लल्लाह है, एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हम यही लेके आए हैं। ये ईमान हमें कल कयामत के दिन बचाएगा। मेरे भाइयों, रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है, इन्नल्लज़ीना कफरू वमातू वहुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ ज़हबा। जो लोग बगैर ईमान के कल दुनिया से जाएंगे, कल जब अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो जमीन भर के सोना भी अगर वो अल्लाह की बारगाह में पेश कर दे, फलन युक़बल मिन अहदिहिम, जमीन भर के सोना भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। इस ईमान की कदर करो मेरे भाई। अगर अल्लाह ने आपको यह तौफीक दी है कि आपकी पेशानी सिर्फ उसके दर पे झुक रही है, आप किसी और के आगे अपना सर नहीं झुका रहे हैं, इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। हम क्या हमारी औकात क्या? अल्लाह हमें चाहता तो हम भी जानवरों की इबादत कर रहे होते, हम भी अल्लाह की मखलूक की इबादत कर रहे होते, मगर अल्लाह ने हमें तौहीद पर बनाया है। इस नेमत की कद्र करो और अपने बच्चों के अकीदे की भी फिक्र करो। अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह को अपने बच्चों की फिक्र है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में जब दुआ करते तो क्या कहते हैं, वजुनुबनी वबनी या अन्ना बुदल असनाम, परवरदिगार मुझे और मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचाना, मुझे और मेरे बच्चों को शिर्क से बचाना। अगर ये शिर्क इतनी खतरनाक चीज है कि इब्राहिम को अपने बारे में डर है, अपने बच्चों के बारे में डर है, तो मेरे भाइयों, हमें और आपको भी अपनी औलाद के बारे में और अपने बारे में फिक्र होनी चाहिए कि हमारी औलाद दुनिया में झोपड़ी में रह चलेगा, कमजोर रह चलेगा, एक टाइम खाना खा ले, एक टाइम भूखी रह चलेगा, मगर उसके पास ईमान और तौहीद होनी चाहिए। ये चिंता और फिक्र हमें होनी चाहिए। आज लोग जब मरने लगते हैं, जब दुनिया से जाने लगते हैं, तो बच्चों को वसीयत करके जाते हैं। क्या वसीयत करते हैं? बेटा, जमीन का ऐसे बंटवारा कर लेना, जायदाद का ऐसे बंटवारा कर लेना, भाइयों में आपस में लड़ाई मत करना, ये लोग वसीयत करते हैं। हजारों साल पहले हजरत इब्राहिम के पोते थे, उनका नाम याकूब था। याकूब के 12 बेटे थे, याकूब खुद नबी थे, उनके बाप इसहाक भी नबी थे, उनके दादा इब्राहिम भी नबी थे। नबी के पोते हैं, नबी के बेटे हैं, खुद भी नबी हैं, और 12 बेटों में एक बेटा यूसुफ भी नबी है। नबियों का घराना है और याकूब का आखिरी टाइम है, और चारपाई के आसपास 12 बेटे अपने बाप को घेर के खड़े हैं, और याकूब अपने बच्चों से क्या कहते हैं? कुरान का पहला पारा उठाओ, अल्लाह याकूब की वसीयत को नकल करता है। अम कुंतुम शुहदाअ इज हज़रा याकूब अल मौत इज क़ाला लिबनीही मा ताबुदून मिन बाद। हजरत याकूब अपने 12 बच्चों से कहते, मेरे बच्चों तुम किसकी इबादत करोगे, मेरे बाप तुम किसकी इबादत करोगे? हमें और आपको लगेगा, यार ये मजाक हो रहा है, नबियों का घर है, बाप खुद नबी है, बेटे एक बेटा नबी है, और क्या पूछ के जा रहे हैं, क्या कह के जा रहे हैं, बेटा किसकी इबादत करोगे? ये कोई मामूली बात नहीं है, इसकी फिक्र होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे हमारे बाप मुर्तद हो जाएं, हमारे बाद अल्लाह को छोड़कर के किसी और की इबादत करने लगे। बच्चों की तौहीद की फिक्र करो, बच्चों के मुस्तकबिल और बच्चों के भविष्य से ज्यादा बच्चों की आखिरत की फिक्र करो। याकूब पूछते हैं, बच्चों किसकी इबादत करोगे? 12 बेटे जवाब देते, नाबुदु इलाहक व इलाह आबाई का इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक। अब्बा जान, हम उस एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते हैं और जिसकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे। मेरे भाइयों, ये चीज है जिस पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। अपनी औलाद की मोहब्बत और अपनी औलाद से प्यार के साथ साथ उन्हें जहन्नम की आग से बचाने का भी इंतजाम करो मेरे भाई।
अल्लाह ने कुरान में हमें इस मोहब्बत की याद दिलाई है। अल्लाह ने फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। दुनिया की आग में हमारे बच्चे जल जाएं हम देख नहीं सकते, हमारी बीवी जल जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा परिवार जहन्नम की आग में जल जाए तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। अपने आप और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। इस आयत की तफसीर में हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अपने बच्चों को, अपने अहल वयाल को जहन्नम की आग से कैसे बचाओगे। फरमाते अल्लमूहुम वअद्दबूहुम, अपने बच्चों को इल्म सिखाओ, अपने बच्चों को अदब सिखाओ, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को तरबियत दो। और वो तरबियत उनको कॉन्वेंट में नहीं मिलेगी, उनको स्कूल में नहीं मिलेगी, उस तरबियत की जिम्मेदारी आपको खुद उठानी पड़ेगी, आपको खुद अपने बच्चों की तरबियत करनी पड़ेगी। खाना खाने बैठो, खाने की दुआ खुद पढ़ो ताकि आपका बच्चा पढ़े। अभी मेरा एक प्रोग्राम था इलाहाबाद में, एक जगह पड़ती है मऊएमा, आप यकीन नहीं करेंगे, 3 साल का बच्चा था, 3 साल का बच्चा था, और बाप ने मुझे बताया मौली साहब मैं सिर्फ एक काम करता हूं, यूट्यूब के ऊपर कुरान का 30वां पारा लगा के स्पीकर पे घर में चलाता हूं। 3 साल के बच्चे ने मोबाइल से सुन सुन करके पूरा 30वां पारा याद किया। अल्लाह, ये तरबियत होती है मेरे भाई। आप जो बच्चों को सिखाएंगे वो सीखेंगे। आप छोटे छोटे बच्चे बड़े क्रिएटिव माइंड के होते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। आप दुआएं सिखाएंगे वो दुआएं सीखेंगे, आप तौहीद सिखाएंगे वो तौहीद सीखेंगे, आप इस्लाम सिखाएंगे वो इस्लाम सीखेंगे, आप नाच गाना सिखाएंगे वो नाच गाना सीखेंगे। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उनकी क्या तरबियत करते हैं। और आपने अगर बच्चों की बचपन में सही तरबियत कर दी तो इंशाअल्लाह जवानी में आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें अपने बच्चों की, अपनी औलाद की, अपने घर वालों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अपने घरों के माहौल को सुधारने में, अपने किरदार को निभाने की तौफीक अता फरमाए। जिन हमारी कौम की जो बच्चियां आज इर्तिदाद के रास्ते पर गई हैं, अल्लाह उनको वक्त रहते जिंदगी में ही सूझबूझ के साथ उन्हें वापस इस्लाम के रास्ते पर आने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे देश की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क को जालिमों के जुल्म से, शरीयों के शर से, फिरका परस्तों की फिरका परस्ती से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको अमन, चैन और सुकून के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। आगे कुर्बानी का त्यौहार आ रहा है, रब्बुल आलमीन हमें सुकून के साथ ये त्यौहार मनाने की तौफीक अता फरमाए। गर्मी पूरे शबाब पर है, सख्त गर्मी का मौसम है, रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए। इस मजलिस में बहुत सारे बड़े नेक, बड़े मुत्तकी लोग भी बैठे होंगे, आप भी हमारी इस दुआ में शामिल हो जाइए कि ऐ अल्लाह गर्मी से परेशान अपने बंदों की दुआ को सुन ले। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन ऐ अल्लाह हम तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, हम पर रहमतों की बारिश नाजिल फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें रहमतों की बारिश से, हमें तू मायूस मत कर, रहमतों की बारिश हम पर नाजिल फरमा दे। ऐ अल्लाह गर्मी की शिद्दत को खत्म कर दे। ऐ अल्लाह मुल्क के माहौल की हिफाजत फरमा, मुल्क के माहौल का अमन और चैन बरकरार रहने रखने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इस मुल्क के तमाम बाशिंदों को मिलजुल करके मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन इस मुल्क में जिस तरीके से अब तक पूरी आजादी के साथ, इख्तियार के साथ अपने दीन पर अमल करते थे, आइंदा भी अपनी आजादी और इख्तियार के साथ अपने दीन पर अमल करने की तू हम सबको तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन इस मुल्क के हुक्मरानों को तू तौफीक दे कि वो अमन, शैन और इंसाफ के साथ, न्याय के साथ इस मुल्क को चलाएं। और ऐ अल्लाह जो अन्याय और अत्याचार करे ऐसे जालिमों को तू इस मुल्क के इख्तदार से हटा दे। रब्बुल आलमीन हमें जब तक तू दुनिया में जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।